मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता और आज देखिए मैंने अपने बालकोनी में ये शीशा का विंडो लगाया है। कहीं टू टायर है और कहीं थ्री टायर। तो चलिए मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ कि इस बालकोनी में विंडो मैंने कैसे लगवाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देरी करते हैं। ये है हमारा बालकोनी, इसमें मैं फ्रेम के साथ इसमें ग्लास लगवाऊंगी। तो ये सब हमारा फ्रेम बनकर आ चुका है, सब साइड करके रखा हुआ है, सब नाप करके इधर भी फ्रेम इधर भी पोर्शन में लगेगा। तो इसका फ्रेम यहाँ रखा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, इधर भी फ्रेम कुछ आके रखा हुआ है। और आइए आपको दिखाती हूँ, इन्होंने इसको कटिंग करने के लिए ये कटर मशीन लगाया है और यहाँ कटिंग का काम चालू है। तो कटिंग का मीन्स है ना कि जिसका साइज छोटा बड़ा हो गया उसको ये लोग बराबर करके इसमें लगता है स्क्रू फिट कर रहे हैं। कुछ इधर भी फ्रेम रखा हुआ है क्योंकि मेरा तीन बालकोनी है, इसीलिए तीनों बालकोनी में मैं ग्लास लगा रही हूँ दोस्तों। और ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं, आपको दिखाती हूँ, ये हिंडाल्को कंपनी का, इंडिया में इस कंपनी को बेटर कंपनी माना जाता है, इसीलिए हमने भी इस हिंडाल्को कंपनी को, हाँ तो दोस्तों मैं ये बता रही थी कि हमने भी हिंडाल्को कंपनी का मटेरियल यूज किया है और इसे यूज करने ले के हमने कलर करवाया है। ये कौन सा कलर है भैया? आइवरी कलर है ये। और इसमें ये भैया देखिए अभी छेद कर करके स्क्रू टाइट कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे मिस्त्री भैया लोग। तो हाय भैया, हमारे व्यूवर्स को हाय कीजिए और आप अपनी कंपनी का नाम बताइए। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये रांची में मौजूद है ना? अच्छा, नाहिद अल्मुनियम के नाम से है। अच्छा, एक और भैया यहाँ पर, हाय बोलिए भैया। तो चलिए, ये तीनों काफी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो जब जैसे जैसे ये फ्रेम बनते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको आगे का वीडियो दिखाती जाऊंगी। तो ये सब जो आप फ्रेम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ग्लास लगेगा। अभी ये फ्रेम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन्होंने नाप करके फ्रेम बना लिया है। अभी इसे फिट करने से पहले इसमें ग्लास लगाएंगे। यहाँ एक और फ्रेम बनने की तैयारी हो रही है दोस्तों। पूरी रांची में इनका काम बहुत फेमस था, इसीलिए हम लोगों ने इनको हायर किया है। इनका जो डोरंडा में इन्होंने बताया कि नाहिद अल्मुनियम करके इनका शॉप है। तो अगर आप, मैं जैसे जैसे वीडियो बनाती जाऊंगी और मेरा आपको वीडियोस पसंद आते जाएगा तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा फ्रेम बन चुका है दोस्तों। अभी अभी जो मैंने फ्रेम दिखाया वो इस जगह पे फिट होगा। तो कहीं हमारा बालकोनी में ये छोटा है, कहीं बड़ा है, इस हिसाब से वो कट करके फ्रेम बना रहे हैं। ये देखिए, चलिए आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये कहाँ पर ये फ्रेम जो बनाए हैं वो लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बाहर की ओर से लगवाया है। ये पूरा फाइनल इन्होंने नहीं सेट किया है क्योंकि इसमें ग्लास लगेगा और रबर, हाँ बैठा के अभी देख रहे हैं, इसमें रबर वगैरह लगाएंगे ताकि ग्लास नहीं गिर जाए, फिर स्क्रू ड्राइवर से कसा जाएगा। ये लोग हर जगह हर स्टेप पे नाप रहे हैं ताकि ये जो फ्रेम है वो सही से फिटिंग बैठ जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हर स्टेप को बार बार नाप रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं हो जाए।
ये जो फ्रेम अभी उधर आपने देखा थोड़ी देर पहले नाप रहे थे तो उसमें शायद एक दो सूत का फर्क पड़ गया है ना, तो एक दो सूत का फर्क पड़ गया है तो उसको लाए हैं ये लोग कटिंग करने के लिए। और ये है कटर मशीन, इसमें अभी फिर दीवार खराब हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे, हाँ सही बोल रहे हैं। ये देखिए कटर वाला मशीन कटने को तैयार है। ये देखिए सेकंड हॉल में ही कट गया, अभी लोग फिर से नाप ले रहे हैं। इन्होंने कट कर लिया है बराबर साइज में ताकि ऐसा फ्रेम बनाया जा सके। ये लोग करीब 2 साल से काम कर रहे हैं, इनका शॉप 5 साल से है रांची में। दोस्तों सारे अल्मीनियम को काट रहा है। ये देखिए ये लोग नंबरिंग करके रखते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा सिंगल फ्रेम था और ये आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं। ये तीन विंडो का ये फ्रेम बन रहा है। ये देखिए दोस्तों अभी जो थोड़ी देर पहले आपने तीन विंडो वाला जो स्ट्रक्चर देखा था वो यहाँ अब सेट हो रहा है। ये लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं अभी और ये बाहर की तरफ से इसमें फिट होगा। देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में जो भी खाली स्पेस बच रहा है इसमें ये लोग थर्मोकोल पहले भर देंगे, उसके बाद व्हाइट पुट्टी से इन सबको भर देंगे ताकि पानी का छटास उधर से आ नहीं सके। सब देखिए दोस्तों वॉल में ये फिटिंग बना है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों काटी में गुज्जा ये लोग बोलते हैं, तो ये गुज्जा लगाकर तब वॉल में ठोकते हैं। देखिए जैसे ठोक रहे हैं अभी। ये फ्रेम अब बन चुका है, अब इसमें शीशा लगेगा। इधर का भी आप देख रहे हैं दोस्तों ये भी फ्रेम बन गया है, बाहर से शीशा लगेगा, ये भी कंप्लीट हो गया है। इधर आपको दिखाती हूँ ऊपर जो रह गया है, चाहे इधर साइड में खाली जगह रह जाएगा इसमें थर्मोकोल से और प्लास्टर ऑफ पेरिस से भर दिया जाएगा। ये देखिए ये पूरा ऑल ओवर कांच लग चुका है, ये सील हमने कराया और ये विंडो खोलने वाला है, ऐसे खुलने वाला है। और इधर दिखाती हूँ, इधर भी मैंने कांच लगवाया है, इसमें विंडो मैंने नहीं बनवाया, पूरा कांच का ही वॉल टाइप का ही पूरा बन गया है। और ऊपर जो खाली रह गया उसको अभी ये लोग फिल करेंगे और नीचे भी यहाँ वो पिन हेड समथिंग कुछ नाम है इस कांच का डिजाइन का, तो ऐसा मैंने कराया है। तो चलिए दूसरे बालकोनी में भी दिखाती हूँ, इधर भी वैसे ही है। ये बालकोनी भी कंप्लीट हो चुका है, कहीं हमने इसमें दिखाती हूँ आपको, ये 3 लेयर वाले बनाए हैं
जाली लगाया है हमने, ये देखिए ये जाली है और ये शीशा है, ताकि इधर कभी मन करे तो ये विंडो को खोल सकूं। और इधर पूरा सीलिंग तक हमने सील करा दिया है, नीचे में भी वैसे ही सील करा दिया है। तो दोस्तों, मैंने अपने बालकोनी में कवर कराया कांच से, वो भी कैसे कराया, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा वीडियो आपको दिखाया। तो दोस्तों, ये जो मैंने बालकोनी में कांच लगवाया है, तो ये सारा मैंने आपको दिखाया शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो। इधर भी दिखाती हूँ, डोर के पीछे यहाँ विंडो लगा हुआ है और यहाँ थ्री लेयर वाला जाली लगा हुआ है। इसको थ्री टायर जाली बोलते हैं, जाली के साथ कांच, कहीं मैंने टू टायर इसको बोलते हैं, इसमें सिर्फ कांच ही कांच है और मच्छर नहीं आए इसलिए मैंने इसमें जाली भी लगवाया है। तो ये था हमारा बालकोनी को जो कवर कराया है मैंने कांच से, उसका वीडियो। तो दोस्तों, मैंने बालकोनी को कांच से कवर कराया और कहीं विंडो और कहीं सील कराया है पूरे ऊपर तक। तो मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताएं दोस्तों। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर से देंगे दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आपने, कितना शानदार तरीके से हमने आज ये थ्री टायर और टू टायर वाली वीडियो दिखाई आपको। तो मेरी बनाई हुई ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों, सी यू नेक्स्ट वीडियो।